अब इतना ठंडा ठंडा खा लेंगे, अब खाने का टेस्ट तो आएगा नहीं इसके बाद। आएगा ना, भूख की लगी है ना, कुछ खाया नहीं है ना स्पेशल, कुछ नहीं खा रही हमने, तुमने बताई थी बात शायद लोगों को सिंपथी होगी उनसे, वरना हमसे कुछ नहीं खाया। चक्कर ये ना सिंपथी हो जाए, लेकिन तुम्हारा मुंह देख के लगता है तुम अभी अभी खा के उठी बाल्टी खाना। तो दोस्तों हम लोग रॉस आइलैंड से होके आ गए रूम में, रॉस आइलैंड से आ गए, और क्योंकि बैटरी हमारी जा चुकी थी तो रास्ते में हमने कॉफी भी पी लेकिन वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन आपको पता है कि कॉफी का वीडियो आप लोग मिस कर नहीं सकते, क्योंकि आके हम लोग फिर से कॉफी पियेंगे ही, और संभावना रेडी है रूम में अपनी कॉफी के साथ। मुझे नहीं सुननी, आप लोग सुनो, आप लोग। तो अभी कॉफी पी के नहा के तैयार होके फिर हम लोग जावेंगे। जावेंगे क्यों बोला मैंने बेबी, तुम्हें पढ़ना चाहिए दो बैथ, ठीक है? बैथ जो तुम दूसरे का मजाक बनाते रहते ना, खुद की घंटा ब्लॉगिंग कर रहे हो, जावेंगे और आवेंगे और खावेंगे। है गंदी घटिया ब्लॉगिंग कर रहे हो और मुझे बोलते हो कि तुम्हें ब्लॉगिंग नहीं आती है। आप लोग बताओ कौन बेटर ब्लॉगर है, मैं या ये आदमी? बेबी मेरा ध्यान बटा हुआ व्लॉगिंग से, क्योंकि मेरा ध्यान तुम्हारे पैर की चोट पे है। मेरा ध्यान बार बार उधर जा रहा है कि मेरी बेबी का पैर रो है। अरे अरे बोलते लंगड़ने लग गई, अभी तक तो ठीक चल रही थी। बेबी तुम भी गजब ड्रामा हो यार, गजब। ये उठ नहीं रहा ऊपर, खींचो ना तब उठेगा। नहीं उठ रहा है। बाद में आप लोगों को ना जब मैं तैयार हो जाऊंगी ना, बाद में दिखाऊंगी मेरे यहाँ पे क्या हुआ। तो मेरा ध्यान बेबी की चोट पे है ना, इसलिए मैं गलत गलत शब्द बोल दे रहा हूँ। तुम्हें बेबी हिरनों के बीच में घंटा पता नहीं था कि बेबी कहाँ है? बेबी इधर उधर लंगड़ती हुई इधर उधर गिर रही थी। वो तो मुझे वो थी ना लेडी अनुराधा, उसने पकड़ के रखा हुआ था बेबी। लेकिन तुम्हारा पूरा दर्द वहाँ तो गायब भी हो गया था, मैं देख रहा था। सारी दुनिया वहाँ गोल्फ कार्ट में चढ़ के चल रही थी, तुमने पूरा आइलैंड पैदल घूमा है। देखो मेरी कुछ चोट लगी है, लेकिन जिनको चोट ही लगी वो तो आराम से घूम सकते हैं ना। हाँ। बग्गी में क्यों घूम रहे थे लोग? क्यों घूम रहे थे? रॉस आइलैंड जब भी जाओ चल के जाओ, तभी मजा है। जरा से तो आइलैंड है। और अब तैयार हो रही है क्या? कॉफी। मैं सोच रहा था भाई तुम फालतू में इतनी बड़ी डिबिया उठा के ले जा रही हो वजन कॉफी की। बेबी तुम कितनी गंदे गंदे वर्ड यूज कर, डिबिया। डिबिया के मतलब क्या? वो किसका, वो पान की डिबिया होती है ना, पान की डिबिया, पान परा खाएंगे वो डिबिया होती है। ये बेबी बॉटल होती है कॉफी, कॉफी की बॉटल मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि मुझे पता है यू विल नॉट लाइक दिस कॉफी। ये मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने जब पी थी ना, तो पी के ना मेरे यहाँ तक आ गई थी कॉफी, वो देयर वाज अ वेरी बैड कॉफी। सो दिस एटलीस्ट वी नो की कॉफी कौन सी है, मतलब अपनी मशीन मारी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फिर भी नेस्कैफे गोल्ड एक अच्छी कॉफी है। लेकिन भाई पैकिंग के टाइम में जो भी तुम डिसीजन लेती हो ना, हाँ। पहले मुझे लगता है बेकार है, हाँ। क्यों ये सब रख के ले जा रहे हैं फालतू में, हाँ। लेकिन जब हम पहुंचते हैं ना तो इतना रिलैक्स मिलता है कि यार ये चीज़ हम नहीं लाए होते तो क्या होता। अरे 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 अब पता ही थी तुमसे, तुम्हें जो अपने से सिंपैथी है ना खुद से, और खुद के बेचारेपन पे जो दया है तुम्हारी, ये तुम्हें ले डूबेगी। तुम्हारी जब तारीफ करते हो तुम्हें लगता है हाँ मैं तो हूँ इतनी अच्छी, मेरे ऊपर दया कोई नहीं कर रहा है। तो ये लड़की ने महाराजा चेयर भी ले ली है, और पैर रखने के लिए ये भी ले ली है, ठीक है? अब मेरे पास कोई जगह नहीं, तो अब मैं बैठूंगा बेबी जमीन पे, और तुम्हें मैं गिल्ट फील कराऊंगा, ठीक है? बेबी बात बताऊं, आदमी की जगह पैरों में ही अच्छी लगती है। अरे वाकसम ठीक बोला है, पता पुण्य होता है ये लड़की के पैर में बैठना। कल बोलो कि लड़की के लात खाना पुण्य होता है। अरे इसी बात पे मुझे बहुत लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे, पैरों में बिठाया पति को अनसब्सक्राइब। अरे पति से ऐसी बात अनसब्सक्राइब, अरे इतना लाउड ऐसे पैर खोल के बैठी अनसब्सक्राइब। और जो पति से दुलती खाती हूँ उसके लिए हम अनसब्सक्राइब नहीं करोगे? तो संभावना की तैयारी शुरू हो गई शो की, और संभावना ने कुछ मंगाया है खाने के लिए हमारे लिए, और साथ में उसके बाल भी बन रहे हैं। आज दिन भर हम ऑमलेट ब्रेड ही खाते रहेंगे क्या? पाउडर खत्म हो गया, स्टूडियो फिक्स खत्म हो गया मेरा। ये मैं देख रहा हूँ 3 साल से इतना ही है लेकिन खत्म नहीं हो रहा, तो मुझे लग रहा है 3 साल और चलेगा अभी। जी नहीं, अब मैं कंजूसी से यूज कर रही हूँ उसको। ये तो अच्छी बात है, इसीलिए पहले ज्यादा खत्म होता था ना, क्योंकि आटे की तरह लगा लेती थी, शक्ति भोग की तरह। शक्ति भोग बेसन। कितना टाइम लगेगा अभी? तो मैं वहाँ जज की जगह डमी बिठवा दूँ, कि डमी बैठी है तुम्हारी तरह कपड़े पहना के। सो जी लेटेस्ट अपडेट अब ये है कि ड्यू टू सम रीजन द शो गॉट कैंसल्ड, और शो अब नहीं हो रहा है। तो हम लोग अब रूम में बैठे हैं, दोनों रूम में बैठे हैं, और अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि कल जो हम लोगों को हैव लॉग जाना था वो वाला भी चीज कैंसिल करके हम लोग वापस जाएंगे मुंबई। क्या बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि बहुत सारे काम भी थे मुंबई में जो रुके हुए थे, और हमें रियलाइज हुआ कि यार थोड़ा 2-3 दिन हम लोग एक्स्ट्रा रुक रहे हैं, तो बेटर है कि हम लोग चले जाएं वापस। तो अभी वो टिकट्स मतलब कल की कराने की
की कोशिश कर रहे हैं, कर रहे हैं, हो गई तो ठीक है वरना फिर जाएंगे। अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, विच वी आर ट्राइंग। मिलती हूँ थोड़ी देर, चेंज कर लो। तो दोस्तों अब ऑलमोस्ट हमारा ये कंफर्म हो चुका है, रात के बज रहे हैं 12 की, हम कल सुबह जाने वाले हैं। बस हमारी फ्लाइट जो है शायद 11 बजे की या फिर उससे पहले की होगी, वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे बॉम्बे के लिए, आप लोगों को मिलते हैं कल सुबह तैयार होके। टिल देन गुड नाइट। मैं अकेले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि संभावना ऑलरेडी सो चुकी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और हमारी टिकट्स अभी तक हुई नहीं है फ्लाइट की, सो वी आर जस्ट वेटिंग कि क्या टाइम होता है और इट्स गोइंग टू बी अ वाया फ्लाइट, तो पता नहीं कितने टाइम में हम लोग मुंबई पहुंचे। पूरे दिन हम लोग फ्लाई करने वाले हैं यहाँ, हाँ। कोलकाता, कोलकाता से बॉम्बे, पता नहीं कहाँ से मिलती है फ्लाइट, चेन्नई से ही मिल सकती है, कहीं से मिल सकती है। वी जस्ट वेटिंग, अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, नीचे मिलते हैं। कुछ ज्यादा स्ट्रेट नहीं हो गए अभी बाल? आई डोंट लाइक इट। मेरा तरबूज के ऊपर भीग रख दियो, सूज भी गया ना। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए लेकिन हमें ब्रेकफास्ट में कुछ भी समझ में नहीं आया, कॉफ़ी भी अच्छी नहीं लगी। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कॉफ़ी पीने बाहर जाएंगे और हमारा जो आज का टिकट था वो नहीं हो पाया क्योंकि कोई भी फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, सब वाया वाया फ्लाइट हैं और 6-6, 7-7 घंटे ले रही हैं। तो वी डिसाइडेड कि हम कल सुबह एक डायरेक्ट फ्लाइट है बॉम्बे की वो लेंगे और आज का दिन हम घूमेंगे पोर्ट ब्लेयर अंडमान। पता कहाँ कहाँ जाएंगे, मेरा बड़ा दिल है दोबारा से रॉस आइलैंड चलिए। रॉस आइलैंड तो नहीं लेकिन यहाँ पे एक, नहीं नहीं यहाँ पे एक चिड़िया टापू आइलैंड है जहाँ का सनसेट बहुत फेमस है, वहाँ जाएंगे। नहीं सेम चीज दोबारा दोबारा देखने में कोई एक्साइटमेंट थोड़ी है। सेम डियर कितने प्यारे थे, वो प्यारे थे, वो आज भी प्यारे रहेंगे। हेलो डियर, हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी आपको मिलते हैं कॉफी शॉप में। तो दोस्तों कॉफी पी के हम लोग वापस आ गए थे अपने रूम में, रूम में आके हमने चेंज किया क्योंकि अब हमने डिसाइड किया है यहाँ पर एक बीच है जिसका नाम है चिड़िया टापू बीच, जहाँ का सनसेट बहुत फेमस है। तो मैं तो ऐसे ही जाने को तैयार था लेकिन संभावना को तोता बन के जाना था क्योंकि चिड़िया टापू बीच है ना, वहाँ पे चिड़िया आती है बहुत सारी। चिड़िया टापू बीच पे तोता बन के जा रही हो ना तुम? अच्छा नहीं लग रहा देखो कितना, तुम हर चीज का मेरे मजाक बनाते हो, पता है कितनी हैप है ये चीज, ये देखो क्या है। मैं कब कितने दिनों से ये पहनना चाहती थी, मेरा सालों पुराना है लेकिन पहली बार पहन रही हूँ मैं ये। आई एम वेरी हंग्री, तो हम लोगों ने सोचा है कि पहले जाएंगे खाना खाएंगे, क्या कौन सी जगह एक है यहाँ लाइट हाउस रेस्टोरेंट, वही एक रेस्टोरेंट है सी फूड के लिए, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाकर पहले खाना खाएंगे फिर हम लोग निकलेंगे चिड़िया टापू के लिए। और मैं इसको बोल रहा था कि कुछ ना कुछ तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले लेते हैं वहाँ, अगर हमको कुछ स्नॉर्कलिंग वगैरह करनी पड़ गई तो करेंगे, अभी इतना मूड नहीं है मेरा। मेरे को भी दो, क्यों तुम्हें कुछ चाहिए? अच्छा ठीक है तुम्हें चाहिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैंने खरीदा था बेबी एयरपोर्ट से, अब मेरे पास ही नहीं है, ये मार लिया मेरे से, चीजें मारने में माहिर हो ना तुम। अब इतना ठंडा ठंडा खा लेंगे, अब खाने का टेस्ट तो आएगा नहीं, उसके बाद आएगा ना, भूख की लगी है ना, कुछ खाया नहीं है ना, सिर्फ कुछ नहीं खा भी हमने, तुमने बताई थी बात, शायद लोगों को सिंपैथी होगी उनसे, वरना हमसे कुछ नहीं खाया, लोगों को कुछ नहीं खाया सुबह से, बताया चक्कर ये ना सिंपैथी हो जाए, लेकिन तुम्हारा मुंह देख के लगता है तुम अभी अभी खा के उठी एक बाल्टी खाना। मुझे लंगर में बाल्टी में देते ना, पूरी बाल्टी खा गई हो तुम, पत्ता भी हो तुम। चिड़िया टापू पे तोता जा रहा है। तोता लग रही है। अच्छे का ये जैकेट पता है कितनी अच्छी है, ये ब्रांडेड जैकेट है मेरी, मैंने कभी नहीं पहनी ऐसे, मेरे दोस्तों मेरे बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने कभी नहीं पहने और पड़े रहते हैं। कितने लोगों की आदत है जो 2-4 जींस होती है वही आप रिपीट पहनते जाते हो, मेरी है वो आदत, मतलब है इतनी सारी लेकिन 2-4 रखी है जो वही रिपीटेड मैं वही 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 पहनती रहती हूँ, पता नहीं क्यों ना, तो वो फट नहीं जाती और फट हो जाती है मेरी टांगों की वजह से, फिर मैं वही लेके आती हूँ, मतलब सेम कपड़ा सेम मटेरियल, साइज बढ़ता जाता है उसका। इसी को तो 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं ना। क्या मतलब हुआ, क्या हुआ? नहीं पता 80-20 नहीं नहीं क्या होता है 80-20 प्रिंसिपल, ये होता है कि हमारे पास 20% चीजें जो होती हैं उसका हम कुछ 20% चीजों का हम 80% इस्तेमाल करते हैं और 80% चीजों का 20% इस्तेमाल करते हैं। That way, my intelligent husband. जैसे दुनिया की जो 80% दौलत है हाँ। वो 20% लोगों के पास है हाँ। और जो 20% दौलत है वो 80% लोगों के पास है, समझ में आ रही बात है? नहीं आ रही? नहीं। क्या क्या ऑर्डर किया बेबी? मैंने फिश ऑर्डर करी है, रेड स्नैपर था या कुछ तो था, फ्राइड राइस ऑर्डर किए और फिश चिली ऑर्डर की, वेरी नाइस हैंड सैनिटाइजर।
अरे मुंह थोड़ी धोना बेबी। इस रेस्टोरेंट में आप जब पानी मांगेंगे तो आपको सीधा ये बॉटल मिलेगी, इससे छोटी बॉटल आपको मिलती नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये बॉटल मिलेगी आपको। तो हम ऊँट थोड़ी है कि छह दिन का पानी एक साथ पी जाएंगे। इसे नहाना भी बेबी। अच्छा। खाना खाके इसी से नहाना है। पैसा कमाने के धंधे है सब। हाँ और क्या, छोटी बॉटल नहीं मिलती। तो स्टार्टर में बस वो फिश है, तवा फ्राई, और भी कुछ मंगाना है स्टार्टर में? नहीं बेबी, पेट को छोटा करो, पेट फैल रहा है हम लोगों का। अमृतसर के बाद आई बिकम वेरी केयरफुल। बस तुम्हें खाना है तुम खाओ, मैं थोड़ा ही खाऊंगी। तुम्हें जो करना है तुम अपनी लाइफ में कर सकते हो, जो करना है। अभी जिस तरीके से तुमने कहा है इसमें कुछ छुपा हुआ था, जो करना है कर सकते हो लेकिन छुपा हुआ था इसमें पीछे ना लेकिन, मतलब वरना कुछ तो करोगी तुम। मैं क्या करूँ, मैंने क्या करना है, मैं अपना खाना खा रही हूँ। खा के बताओ जल्दी तो मैं खाऊं। बेबी आई एम डन। और अब इसके बाद बेबी के लिए क्या आया है, ये पूरा खाएगा मेरा बेबी, ये भी पूरा खाएगा, मैं नहीं खाऊंगी, आई एम डन। तुम तो ऐसे ही मेरा बीच में साथ छोड़ देती हो, जिंदगी में मत छोड़ देना। ये इतना मुंह क्यों ला रहे हो खाते हुए, मतलब एटीट्यूड दिखा रहे हो, स्वैग स्वैग है ये। तो तुमने पैसे नहीं दिए इसलिए पीछा कर रहे हैं रेस्टोरेंट वाले हमारा? हमने पैसे नहीं दिए रेस्टोरेंट में, क्योंकि हमें हमारे कार्ड चला नहीं यहाँ पे और एटीएम अब जा रहे हैं, तो रेस्टोरेंट वाला बंदा हमारा पीछा कर रहा है कि हम कहीं भाग न जाए। लेकिन ये कैसा पीछा है कि वो हमारे आगे है। पीछा करने वाला आगे जा रहा है। अगर आप भाग जाए तो 2000 का बिल है, भागना तो बनता है। अविनाश अंदर गया है एटीएम से पैसे निकालने। बेबी कहाँ चल रहा है, चिड़िया टापू जाना है या कहाँ जाना है? तू कह रहे रोड खराब है, लेकिन बहुत खराब है, दूसरे वाले टापू चले जाते हैं, मतलब कौन दूसरा, कौन सा बोल रहे हो? वंडूर बीच। वो कितना दूर है? सेम डिस्टेंस है, वहाँ चले जाते हैं बेबी। वंडूर बीच पे क्या क्या होता है? सनसेट पॉइंट है। उनको पैसे तो निकाल के दे दिए एटीएम से, लेकिन अब उनके पास चेंज नहीं है, अब हमें उनका पीछा करना पड़ेगा। इनका पीछा करो, अब हमें इनसे पैसे लेने, पहले इनको हमसे लेने थे, ये हमारा पीछा कर रहे थे, अब हम इनके पीछा करेंगे। ये तो हमने सोचा ही नहीं कि एटीएम से तो नोट निकलेंगे बड़े बड़े, तो छुट्टे चाहिए होंगे। और ये कैसा पीछा है कि वो उधर जा रहे हैं और हम इधर? अरे ये कैसा पीछा कर रहे हो, उनका पीछा करना है। लग रहा है वो भाग गए, हम उन्हें टिप देने वाले थे लेकिन उन्होंने अपनी टिप खुद ही ले ली। क्या कहना चाहोगी बेबी? ज्यादा ले ली, ज्यादा ले ली, लेनी पड़ेगी वापस। चिड़िया टापू कैंसिल किया क्योंकि रोड खराब है, अब हम जा रहे हैं वंडूर बीच। वंडूर बीच वहाँ पे भी खाने पीने की चीजें हैं, चाय वाय, मतलब चाय पानी तो मिल ही जाएगा ना। चाय पानी, स्नैक्स, चाय पानी, पता है किसको बोलते हैं? थोड़ा चाय पानी दे देना, रिश्वत को, घूस, छोटी रिश्वत को कहते हैं चाय पानी। MTNL वाले बहुत लेते हैं चाय पानी, जो फोन लगाने आते हैं ना, ये सुन लिया ना उन्होंने, हमारा काट देंगे जो दो कौड़ी का घर पे लगा हुआ है। MTNL वाले और पोस्टमैन, जैसे तुमने ये तोते वाली ड्रेस पहनी है ना, मुझे याद आ रहा है जो अमन, अमन है ना, अमन मेरा भांजा, उसका बचपन में एक बार प्रोग्राम था स्कूल में, तो उसको कविता याद आई थी, तो वो ना र को ग बोलता था बचपन में, तो उसने कविता क्या गाई पता है पूरे स्कूल में, उसका मजाक बन गया। तोता हूँ मैं, तोता हूँ हगे गंग का तोता, तोता हूँ मैं, तोता हूँ हगे गंग का तोता हूँ। अब तो रहा बोलता है ना, कि अभी भी गाय बोलता है? नहीं अब तो रहा बोलता है, बड़ा हो गया ना। तुम क्यों गा बोलने लग गए हो? ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हालत देखना चाहते हो विनाश की? बेबी क्या हुआ? बेबी मैं वंडूर बीच आ गया। बोलो चला जाए। दोस्तों आप ये पानी भरा हुआ जो देख रहे हैं, ये पूरा जंगल हुआ करता था, यहाँ पर सुनामी अफेक्टेड हो गया है प्लेस, यहाँ पर पूरा गड्ढा हो गया सुनामी की वजह से जहाँ पानी भरा हुआ था। जैसे ये वाली भी जो जगह है ये पूरी सुनामी अफेक्टेड है, यहाँ पूरा जंगल था, ये पूरा गड्ढा हो गया सुनामी की वजह से जहाँ पानी भरा हुआ है। ये सब दिखाने के लिए मुझे संभावना ने कहा था कि जल्दी 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 दिखाओ, जल्दी दिखाओ, वो आ गया। मैं उठ के, मैं सो रहा था, मैंने उठ के वो किया, और जैसे ही मैंने आप लोग को दिखाना शुरू किया उस बीच में क्या हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। चाल साज औरत, ये जो हागे गंग का तोता है ना, ये बहुत चालाक निकला, हागे गंग का तोता। तोता हूँ मैं, तोता हूँ हागे गंग का तोता हूँ। वाओ है ना।